हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीत कुमावत। कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि एक स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एक लोशन है, उसी के बारे में बताने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग इसका यूज करें, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छा बोला है, काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि इससे ऐसा है, इससे ये ऐसा है वैसा है। तो क्या सच में ये प्रोडक्ट किस टाइप का है और ये लोशन है? तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोशन है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ भी किया है। अगर आप लोगों ने इसका यूज नहीं किया है और आप खरीदने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना अगर लेने की सोच रहे हो तो। ठीक है, और तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बहुत ख़राब भी बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का। देखो गाइस, हम जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में सच्चाई। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो अपनी बॉडी पर लगाया जाता है, हम अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो सोच समझ कर ही खरीदना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही नहीं क्योंकि किसी ने कह दिया कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खरीद लो, ये इस तरीके का कर देगा आपकी स्किन को, ये गोरा चिट्टा कर देगा, ये वो कर देगा। तो ये प्रोडक्ट है ना, इसी के बारे में भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि जो स्किन वाइटनिंग लोशन है वो आपकी, ये लोशन लगाने के बाद आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी कर देगी, इस टाइप की गोरी चिट्टी कर देगी। जैसे आपकी स्किन ब्लैक है तो उसको थोड़ा वाइटनिंग कर देगी, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग कर देगी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वाइटनिंग कर देगी। इस लोशन को लगाते ही आपके 10 डेज में ही आपको इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम जानेंगे कि सच में हमारे 10 डेज में ही हमारी स्किन गोरी चिट्टी हो जाएगी इस लोशन को लगाने के बाद, में अपनी स्किन उस टाइप की हो जाएगी जैसे गोरी चिट्टी हो जाएगी, क्या ये सच है? तो वही जानेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर फिर बाद में खरीदा करो, क्योंकि हम अपनी बॉडी पर लगाएंगे, हम अपनी स्किन पर लगाएंगे, अगर उससे हमें प्रॉब्लम होगी तो हमारी ही बॉडी को नुकसान होगा, हमारा स्किन ही खराब होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस लोशन के बारे में। तो ये जो लोशन है ये वाइटनिंग लोशन है और अर्बोल का ये बना हुआ है, और खास चीज़ इसमें ये भी है SPF है जो कि 50 है, इसमें 55 भी है और 50 भी है, आपको अलग अलग में मिल जाएगा। तो जो ये इसमें SPF होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें कोई सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यही लोशन लगा। अभी देखो गाइस, क्योंकि विंटर का समय आने वाला है और विंटर के समय में हमें कोई लोशन, बॉडी लोशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है अपनी बॉडी पर लगाने के लिए, तो ये लोशन आप ले सकते हो। तो लेने से पहले हम जानेंगे इसके इंग्रीडियंट्स की, आज सच में ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, अगर इंग्रीडियंट्स की और ये कहाँ मिलेगा, इसकी क्या प्राइस है वो जान लेते हैं। तो ये मीशो में सबसे आसान से मिलने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा मीशो में खरीदा गया है, काफ़ी लोग इसका यूज कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं और मीशो में आप लोगों को बड़ी आसान से मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो ये कितनी प्राइस की वो जान लेते हैं। तो इसकी प्राइस है 299 रुपीज़ है, वैसे आपको ये मिल जाएगा 150 रुपीज़ में, बड़ी आसान से मिलने वाला प्रोडक्ट है। और इसमें देखो क्या कहता है, इस प्रोडक्ट को किस तरीके से लगाना है वो भी जानेंगे, और इसके इंग्रीडियंट्स क्या है वो भी जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या है वो सब जानेंगे गाइस इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आप इसको रेगुलर देखते रहिएगा। तो बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की, इसमें क्या क्या डाला हुआ है। तो इसमें है कॉजिक एसिड है, अर्बुटिन है और विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए डाला हुआ है, और इसमें डाला हुआ है ग्रीसलिन डाला हुआ है, लेमन डाला हुआ है, अलमंड ऑयल डाला हुआ है। इसके इंग्रीडियंट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंग्रीडियंट्स इसमें डाले हुए हैं, लेकिन गाइस क्या ये सच में, देखो नेचुरल इंग्रीडियंट्स तो है और हमारे स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर भी करता है और काफ़ी लंबे समय तक ये मॉइस्चराइजर करते रहता है, अपनी स्किन को सॉफ्टनिंग करता है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये ऐसे नहीं है कि हम इसको लगा लिए और हमारे जो स्किन है वो उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई ड्राई सी नहीं होती, अपनी स्किन एकदम ऑयली सी हो जाती है, एकदम चिपचिपा भी नहीं होता इस लोशन को लगाने के बाद, बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पे। तो इससे ना आपको लंबे समय तक ये लोशन टिका रहता है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर करता रहता है। लेकिन बात करेंगे कि ये वाइटनिंग करता है कि नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको गोरे होने के लिए खरीद रहे हैं, उन वो लोग इसको अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर सॉफ्टनिंग करने के लिए नहीं खरीद रहे, तो उनके लिए भी बताऊंगी कि ये वाइटनिंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो इस प्रोडक्ट को लगाना किस तरीके से वो जान लेते हैं। तो इसको आप देखो डे में भी लगा सकते हो, नाइट में भी, जब भी आपकी स्किन एकदम ड्राई सी हो रही है, तो आप ये जो लोशन है वो नहाने के तुरंत बाद आपको अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है। और देखो आप इसको डे में भी लगा सकते हो, नाइट में भी लगा सकते हो। अगर इस प्रोडक्ट को लगा के आप धूप में भी जाओगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हानिकारक जो हमारी तेज़ धूप होती है वो हानिकारक किरणें होती है, उससे हमारी स्किन को बचाने में
काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, अपनी बॉडी को बचाता है। तो ये इसमें SPF होने की वजह से हम डे में भी लगा सकते हो और नाइट में भी लगा सकते हो। डे में आपको कोई सनस्क्रीन लगाने की, एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही प्रोडक्ट लगा के आप धूप में जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ना लंबे समय तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करते रहेगा, ऐसे नहीं है कि ये ड्राई कर दिया, ये कर दिया, ऐसे कुछ भी नहीं करेगा। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्टनिंग बनाए रखेगा ये प्रोडक्ट। लेकिन गाइस इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना है, आपको बस ओनली बॉडी पे ही अप्लाई करना है ये प्रोडक्ट, ठीक है। फेस पे आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि फेस की स्किन और अपनी बॉडी की स्किन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपको फेस पे यूज नहीं करना। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे आप लोगों ने कि इसको लगाते ही आपके 10 डेज में ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा दूर जैसी गोरी चिट्टी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी हो जाएगी। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको चाहे 1 मंथ तक आप रेगुलर लगा लीजिएगा, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को कि गोरी चिट्टी कर देगी आपकी स्किन को। जैसे हम नॉर्मल कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, कोई भी बॉडी लोशन हम यूज करते हैं, उसी तरीके से ये वर्क करेगा। लेकिन हाँ, ये अपनी स्किन को सॉफ्टनिंग बनाए रखेगा और अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर लंबे समय तक बनाए रखेगा, अपनी स्किन को ड्राई ड्राई सा नहीं करेगा। अगर हम इसको विंटर के टाइम लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और ये नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन गोरे होने के लिए आप खरीद रहे हो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उसके चक्कर में अपने पैसे वेस्ट ना कीजिएगा। अगर आप गोरे होने के लिए इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो प्लीज़ इसको ना खरीदे, ठीक है। गोरे होने के लिए ना खरीदे। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर सॉफ्टनिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। लेकिन गोरे होने के लिए अगर खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को ना खरीदे, क्योंकि इससे आपकी स्किन ना गोरी होगी, कुछ भी नहीं होगा, आपको वाइटनिंग नहीं करेगा ये आपकी बॉडी को। तो आप अपने पैसे वेस्ट ना करें, इस प्रोडक्ट को खरीदिए। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये स्किन वाइटनिंग कर देगा, गोरी चिट्टी कर देगा, ऐसा कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप लेके खरीद के खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब जान दी इसके साइड इफेक्ट। तो गाइस अगर इस प्रोडक्ट को आपको हल्का ऐसा लगा के देखना है, अगर जलन खुजली इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आपके अपने बॉडी पे नहीं लगाना है, इसको रिटर्न कर देना है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप इसको लगा सकते हो, यही इसके साइड इफेक्ट है, वैसे देखने को नहीं मिला है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप इसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, एंड करते इस वीडियो को, और आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।